नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के सोया संवाद की कड़ी में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे संस्थान के युवा प्रजनक डॉक्टर शिव कुमार जी से। डॉक्टर शिव कुमार जी ने हाल ही में NRC 128 नाम की एक किस्म विकसित की है, जो कि देश के जो पूर्वी क्षेत्र है और उसके साथ साथ उत्तर मैदानी क्षेत्र, ये दोनों जोन है, वहाँ के लिए अनुशंसा की गई है। और ये जो किस्म है धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलर हो रही है और दूसरे जो जोन है वहाँ पे भी इनके इस किस्म के बारे में हमें पूछते रहते हैं। तो आइए हम आपको सीधे मिलाते हैं डॉक्टर शिव कुमार जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सोया संवाद में। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जो आपने जो किस्म निकाली है NRC 128 जी सर, और ये हमने पिछले साल भी यहाँ पे प्रदर्शन में लगाई थी, इस साल भी लगी है। फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 27 जून की ये बोनी है, इसका मतलब लगभग 75 दिन के आसपास इसकी अवधि हो चुकी है जी। तो आप ये बताइए कि ये जो किस्म जो पूर्वी क्षेत्र में और उत्तर मैदानी क्षेत्र में कितने दिन में पकती है? सर, जैसे हमारा ईस्टर्न जोन, जैसे आपने बताया जी, पूछा कि इस उसमें लगभग 110 दिन का इसमें हो जाता है, और नॉर्दर्न प्लेन जोन में 120 से 125 दिन में इसका मैच्योरिटी हो जाता है। तो ये जैसे दर्शकों को बता दूं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मैच्योरिटी ड्यूरेशन में फर्क आते जाता है। तो और अगर यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपने बताया, वहाँ पे उत्पादन क्षमता और उत्तर मैदानी, उसमें फर्क है? हाँ, इसमें सर बिल्कुल फर्क है। जैसे हमने मैंने जैसे बताया कि ईस्टर्न जोन में इसका 25 क्विंटल है पर हेक्टर इसका जो प्रोडक्टिविटी, और नॉर्दर्न प्लेन जोन में इसका है लगभग 22 क्विंटल है पर हेक्टर, लेकिन इसका जो पोटेंशियल जो है 40 क्विंटल पर हेक्टर। 40 क्विंटल पर हेक्टर। जैसे ये NRC 128 का मैं कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, तो इसमें जो पर्पल फ्लावर आता है और जो प्यूबेसेंस जो है हेरीनेस, इसमें पॉड के ऊपर, जैसे स्टेम के ऊपर और पत्तियों ऊपर, ये तीनों के ऊपर इसका प्यूबेसेंस आता है। और इसका जो है इसमें तीन डिसीज का रेजिस्टेंस है, एंथ्रेक्नोस, चारकोल रॉट और येलो मोज़ेक वायरस, और साथ में वाटर लॉगिंग टॉलरेंस, इसके लिए भी इसमें रेजिस्टेंस का पावर है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी इस किस्म की विशेषता के बारे में, और जैसे कि हमें पता है कि ये दो प्रमुख जोन के लिए विकसित की गई है, लेकिन जो जो हमारे साथ में जो संपर्क में किसान रहते हैं, वो मुझे बार बार कई बार पूछा जाता है कि सर ये क्या वैरायटी हम अपने मध्य प्रदेश के किसानों खेतों में लगा सकते हैं क्या? तो मैं किसानों को जानकारी देना चाहूँगा, अभी तक तो जो है कि ये जो किस्म मध्य क्षेत्र के लिए तो अनुशंसा इसकी नहीं की गई है, नोटिफाई हुई है इसको नॉर्दर्न प्लेन जोन, उत्तरी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के लिए। तो यहाँ के किसानों को उपयुक्त तो होने के लिए संस्थान द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहा है, या यहाँ पे क्या होता है कि कम समय में पकने वाली किस्म मध्य प्रदेश के किसान चाहते हैं, तो क्या इसमें यह संभव है कि इसकी जो आप जो बोल रहे हैं कि 100 से ज़्यादा दिन लेते हैं, तो क्या इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको पकने की अवधि कम की जाए? जी सर, जरूर। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो किस्में को हमने क्रॉसिंग प्रोग्राम में लेके, जैसे हम अर्ली में जो अर्ली पकता है उस वैरायटी के साथ में क्रॉस करके हमने क्या किया, इसको ये जो ड्यूरेशन जो है, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन हम बोलता है, ये 100 दिन के जो ऊपर है, हमारा सेंट्रल जोन में किसान भाई चाहता है कि 90 दिन 95 दिन में ड्यूरेशन वाला वो किस्में चाहिए, तो हमने क्या किया इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करने हमने प्रयास किया है। कुछ मटेरियल हमने अभी इस मतलब तैयार भी किया कि वो आने वाला दिन में इसका टेस्ट भी हो जाएगा जी। मुझे एक याद आ रहा है कि कई किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने इंदौर के आसपास यहाँ पे लगा के देखा है, और पिछले साल जो उनसे जो समाचार प्राप्त हुए, तो उनसे जो फीडबैक मिला था, तो उन्होंने इस वैरायटी को बहुत अच्छा पाया है, यहाँ के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। तो मैं ये जो संस्थान की अनुशंसा रहती है, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में अगर अच्छी है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बताया कि मध्य क्षेत्र के लिए इसको अनुकूल करने के लिए अनुसंधान के प्रयास किए जा रहे हैं, और ये जो एक प्रमुख समस्या मध्य क्षेत्र में आती है, पीली मोज़ेक की बीमारी, मेन बात इसमें यह है कि उससे भी ये प्रतिरोधी है,
और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि पिछले साल का भी ये अनुभव रहा मेरा, इसमें फूल थोड़े से रिलेटिवली लेट में आए हैं, तो यहाँ पे 105-110 दिन में पकने की जो मेरा अनुमान है इसका, जी जी जरूर, तो वो जो है कि ऐसे किसान जो कि जो सोयाबीन के बाद में सीधा गेहूं लगाते हैं, तो वो किसान इसको प्रयास कर सकते हैं इसको लगाने की, ताकि आपकी दूसरी फसल जो बीच में सोयाबीन के बाद में लेते हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अभी फिर से कि इसमें जो फूल आते हैं, जी आपने बताया कि कौन से रंग के फूल आते हैं, पर्पल, पर्पल रंग के फूल आते हैं और रोए भी है, रोये तो भी। रोए की जहाँ तक बात है तो इसमें किसानों का अनुभव ये रहा कि जहाँ पे रोए ज़्यादा रहते हैं जो किस्में, उसमें कीड़े भी बहुत कम लगते हैं, तो इसमें कीड़ों के बारे में भी कुछ और बता सकते हैं आप, प्रतिरोधी क्षमता? सर, जैसे हमने हमारा इक्विप ट्रायल में जो टेस्ट किया था 3 साल में, उसमें भी ये इंसेक्ट के लिए, कीड़ों के लिए इसमें रेजिस्टेंस है, तो जैसे हम बोलते हैं पत्ती खाने वाली इलिया वगैरह, पत्ती खाने वाला इलिया के लिए भी इसमें, मतलब आप बोल सकते हैं कि हम उसको सहनशील है, ये टॉलरेंस है, या टॉलरेंस है। मतलब ये इसमें अपेक्षाकृत दूसरे किस्मों की तुलना में इसमें कम नुकसान होता है, कम नुकसान है। जी सर, आप किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ये आपको दिखा रहे, इसकी पत्ती आप पहचानने का अगर तरीका देखें तो ये गोलाकार थोड़ी सी है, ये लंबी जो दूसरी इसमें रहती है, तो इसको इस प्रकार की पत्तियां लगती है, और आप ये देखेंगे तना काफी मोटा है, और मैंने यहाँ पे प्रदर्शन प्लॉट में मेरा अनुभव पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि भले ही हाइट इसकी बढ़ जाए लेकिन ये लेटने में या लॉजिंग इसमें कम होती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर, जैसे हम देख रहे हैं कि इसका जैसे तना आपने जो बोला ये भी इसमें थोड़ा मोटा है, तो और ये इसलिए इसका मतलब लॉजिंग का थोड़ा कम है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ किसान भाई को। तो किसान भाइयों, आप देखें इसमें फलियों की संख्या आप देख रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 70-80 फलियाँ तो इसमें आम बात है, बहुत अच्छी स्थिति में, अभी अंदर हम जाके देखेंगे तो इससे भी और भी ज़्यादा पौधे में फलियाँ मिल सकती है, तो अभी फिलहाल जो पूर्वी क्षेत्र और उत्तर मैदानी क्षेत्र के लिए अनुशंसा है, हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रयास जारी है मध्य क्षेत्र के लिए भी इसको विकसित करने के लिए या इसका नया रूप लाने के लिए डॉक्टर साहब के प्रयास जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ। तो साथियों, ये था सोया संवाद में डॉक्टर शिव कुमार जी के साथ में हमने चर्चा की, ऐसे ही हम किसी और वैज्ञानिक के साथ में या किसी और प्रगतिशील किसान के साथ में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते रहिए, नमस्कार।